हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एमएस वर्ड को सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट बहुत सारे हैं सब सॉफ्टवेयर, तो उसमें से हम आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखेंगे, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का यूज दोस्तों ऑफिस में, कंपनियों में, बहुत सी जगहों पर होता है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो हम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं, बिल बनाने के लिए यूज करते हैं, और भी बहुत सारे प्रकार के डॉक्यूमेंट रहते हैं। तो टाइपिंग से रिलेटेड जो है डॉक्यूमेंट, उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करके बनाते हैं हम। तो दोस्तों, आज से हम ये सीखेंगे बेसिक से एडवांस लेवल तक। दोस्तों, आप एमएस वर्ड सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी कंप्यूटर के बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो आप सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, MS Word को ओपन कर लेते हैं हम। आप शॉर्टकट बटन डेस्कटॉप पे डाल देंगे तो ओपन करने में इजी रहेगा। हमने शॉर्टकट बनाए नहीं है तो यहाँ से बना लेते हैं शॉर्टकट बटन। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 2010 का वर्जन है। दोस्तों, आपके पास 2007, 2003 या कोई भी वर्जन होगा तो भी आप ये ट्यूटोरियल देख के सीख सकते हैं, क्योंकि टूल्स मैक्सिमम सब वही रहते हैं। दोस्तों, इसको ओपन करने के लिए हम डेस्कटॉप पर इसका शॉर्टकट बना लेते हैं, ताकि जब नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो डेस्कटॉप पर से ही ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे दोस्तों, और सेंड टू, नहीं तो यहाँ पर पिन टू स्टार्ट कर देंगे तो हमारा यहाँ पर स्टार्ट में आ जाएगा। और मोर पे जाएंगे तो अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, तो हम पिन टू स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे हमने पिन टू स्टार्ट किया तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वो बनकर आ गया है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट नेक्स्ट टाइम आएंगे, इसको बंद करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा वो। आप देख रहे हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्लिक करेंगे इस पर तो ये ओपन हो गया। दोस्तों, आप देख रहे हैं ऊपर डॉक्यूमेंट वन लिखा है और उसके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है। तो डॉक्यूमेंट वन, ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है, ये जो पेज है, इसका नाम है। जब हम इसको सेव कर लेंगे तो जो नाम देंगे यहाँ पे वो नाम आ जाएगा, तो इसको टाइटल बार भी बोलते हैं। तो जैसे ही हम इसको यहाँ से सेव करेंगे, फाइल में जाके सेव पे क्लिक करेंगे, जो नाम देंगे, जैसे मैंने 001 नाम दे दिया और सेव कर दिया डेस्कटॉप पर। तो डेस्कटॉप पे जैसे ही सेव किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तुरंत चेंज हो गया 001। तो जो भी हमारे डॉक्यूमेंट का जो नाम देंगे यहाँ पे वो नाम दिखाई देगा, और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो इसका ये नाम है। उसके बाद में आ जाते हैं हम सेकेंड ऑप्शन पे। यहाँ पे कुछ टूल दिए हुए हैं, तो ये वर्ड है, ये सेव का बटन है, कंट्रोल एस से सेव, जो डॉक्यूमेंट अभी हमने किया फाइल में जाके वो यहाँ से सेव कर सकते हैं। और ये अंडू है, कंट्रोल जेड, जब हम कुछ टाइपिंग करेंगे यहाँ पे, जैसे ये टाइपिंग हटाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। तो अंडू है, ये रिपीट है, इस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। तो ये टूल्स है, क्विक एक्सेस टूल है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। इधर लिखा हुआ है दोस्तों, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें से जो यहाँ पे रखना है वो रख सकते हैं। जैसे हमको ओपन भी चाहिए तो ओपन रख दिए तो ओपन आ गया। ड्रॉ टेबल पे क्लिक कर दिए, ड्रॉ टेबल आ गया। तो यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए हुए हैं वहाँ पे हमें चाहिए तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, आज ये पहला वीडियो है, तो हम इस यूजर इंटरफेस के बारे में थोड़ा जान लेंगे कि कौन सा टूल क्या है, कहाँ पे है। तो दोस्तों, उसके बाद में आ जाता है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये मेनू बार हैं। ये मेनू बार के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं जिसका हम यूज करना सीखेंगे। जैसे फाइल है, फाइल के अंदर हम क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, एक एक करके सब सीखेंगे हम। उसके बाद होम है, होम बटन है, ये एक टैब है, एक टैब के अंदर देख रहे हैं आप, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये पूरा यहाँ तक है। तो इस होम टैब के अंदर भी अलग अलग सेक्शन बने हुए, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइन है, फिर यहाँ पे एक लाइन है, फिर यहाँ पे एक लाइन है। तो दोस्तों, इस टूल्स को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। ये क्लिपबोर्ड नाम से डिवाइड किया गया है, क्लिपबोर्ड में इसमें
उसके टूल्स हैं, पेस्ट है, फॉर्मेट है, कॉपी कट है, फिर फॉन्ट का सेक्शन है, इसमें फॉन्ट से रिलेटेड टूल्स हैं। जब हम टाइपिंग वाइपिंग करेंगे तो उसमें इसको प्रॉपर्टी सब दिया हुआ है, उसको कैसे चेंज करना है वो सब्जेक्ट सीखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों पैराग्राफ है, जब यहाँ पे कुछ टाइप रहता है डॉक्यूमेंट तो उससे रिलेटेड पैराग्राफ की सेटिंग करने में किया जाता है, तो ये पैराग्राफ सेक्शन है। ये स्टाइल्स है, टेक्स्ट का सब स्टाइल अलग है, वो सब चेंज करने में सीखेंगे। आज हम दोस्तों सिर्फ ऐसे देख रहे हैं कि कौन से टूल्स क्या हैं। उसके बाद इंसर्ट में है दोस्तों अलग अलग सेक्शन है, इसमें भी पेज टेबल इलस्ट्रेशन लिंक हेडर फुटर टेक्स्ट सिंबल। तो दोस्तों अलग अलग टैब में सब अलग अलग टूल्स हैं, उसके अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, उस सेक्शन में अलग अलग टूल्स हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, हम सबको एक एक करके सीखेंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ये मेनू बार है, मेनू बार सीखेंगे, फिर उसके अंदर जो टूल्स हैं उसको सीखेंगे। फिर दोस्तों ये जो ब्लैंक दिख रहा है एरिया, ये हमारा पेज है। यहाँ पे जब हम डॉक्यूमेंट कुछ टाइप करते हैं, बिल बनाते हैं, तो यहीं से हम टाइपिंग करते हैं, कुछ भी टाइपिंग करना है यहीं से कर सकते हैं। फिर उसकी एडिटिंग इधर सब मेनू में जो दिए हुए टूल्स उससे करेंगे। दोस्तों ये पेज के ऊपर आप देख रहे हैं एक रूलर दिख रहा है, ये रूलर है पेज का, जो साइज है वो दर्शाता है कि ये पेज का साइज कितना है। तो ये पेज का साइज यहाँ से विंडो में आप जाके व्यू में से हाइड भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो रूलर दिया हुआ है, हाइड कर देंगे तो नहीं दिखेगा, रूलर पे क्लिक करेंगे तो दिखेगा। दोस्तों यहाँ पे एक देखिए आप सिंबल दिख रहा है, ये लेफ्ट इंडेंट है, इस पे कर्सर रखेंगे तो लिख के आता लेफ्ट इंडेंट। फिर इस साइड में है यहाँ पे राइट इंडेंट, इसका मतलब ये है दोस्तों जब हम कुछ भी डॉक्यूमेंट में टाइप करेंगे तो जहाँ पे ये कर्सर रहेगा वहीं से हमारा टेक्स्ट स्टार्ट होगा, और लास्ट कर्सर जो है ये यहाँ पे एंड होगा, उसके बाद दूसरी लाइन से आने लगेगा जो टेक्स्ट है। तो जो साइज हम पेज का लेंगे वो वहाँ पे ये सेट रहता है कि उस साइज के अंदर ही टेक्स्ट रहेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी रूलर है, ये रूलर इस साइड का साइज बताता है और ये इस साइड का साइज बताता है। तो ये वर्टिकल वर्टिकल रूलर है, ये हॉरिजॉन्टल रूलर है। और यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों ये पेज को स्क्रॉल करने के लिए है। जब हम डॉक्यूमेंट में काम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे पेजेस रहते हैं, तो हम इससे स्क्रॉल करके अलग अलग पेज पे जाने के लिए इसका यूज करते हैं। और यहाँ पे भी देख लीजिए आप कंट्रोल पेज अप कंट्रोल पेज डाउन लिखा है, जब ज़्यादा पेज रहेंगे तो यहाँ से आप क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो अभी हमारे पास एक ही पेज है, यहाँ पे देख लीजिए आप पेज वन ऑफ वन दिखा रहा है, जब ज़्यादा पेजेस रहेंगे तो यहाँ पे पेजेस की काउंट रहेगा कि कितना पेज है, 10 पेज है तो 10 रहेगा, और कितने पेज पे हैं वो यहाँ पे दिखाएगा। और यहाँ पे देखिए वर्ड वन लिखा है, जैसे हम यहाँ पे टाइप करते जाते हैं तो इसकी संख्या पे अपने आप ऑटोमेटिक काउंट होते जाती है, वर्ड तीन दिखा रहा है। टोटल हमने जब एक बार टाइप किया है उसके बाद जब स्पेस बार क्लिक किया है तो वो एक वर्ड को काउंट होता है। जब हम जैसे यहाँ पे हमने कुछ टाइप किया, ये एक वर्ड हो गया, फिर स्पेस करके फिर दोबारा टाइप किए तो ये एक वर्ड हो गया। तो ये वर्ड ऐसे काउंट कर रहा है कि पांच वर्ड हो गया है, दो वर्ड ये है, तीन वर्ड इधर है, तो ये वर्ड काउंट करता है। और यहाँ पे देखिए प्रूफिंग एरर वेयर फाउंड क्लिक, कुछ एरर पाएगा तो यहाँ पे बताता है। तो दोस्तों ये पेज है और ये टूल्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना। और यहाँ पे मिनिमाइज बटन है, इस डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा, फिर जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे एक है बटन रिस्टोर डाउन, इसको क्लिक करेंगे तो ये पेज छोटा हो जाएगा, फिर जैसे ही उस पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। और ये क्रॉस का बटन है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे हम ये बंद हो जाएगा। अभी बंद हो रहा है तो पूछ रहा है कि जो हमने इस डॉक्यूमेंट में काम किया है वो सेव करना है या नहीं सेव करना है या कैंसिल करना है। सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा, डोंट सेव करेंगे तो सेव नहीं होगा, कैंसिल करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स हट जाएगा। तो सेव कर पे क्लिक करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट सेव हो गया है और बंद हो गया है, क्योंकि हमने क्रॉस बटन पे सेव किया था।
और दोस्तों हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था 001 फाइल नाम से, तो यहाँ पे देखो आ गया है। जैसे इस पे डबल क्लिक करेंगे हम और ये नेक्स्ट टाइम तुरंत ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था इंट्रोडक्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। इसका मैक्सिमम यूज कंपनियों में डॉक्यूमेंट बनाने में, बिल बनाने में और भी टाइपिंग से रिलेटेड जो भी काम रहते हैं वहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में सीखेंगे। दोस्तों इसमें कुछ टूल्स रह गए हैं जो हमने नहीं बताए, यहाँ पे हैं आप देख रहे हैं 100% जूम दिखा रहा है, माइनस है, प्लस है, तो यहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं क्लिक करके, या यहाँ पे डायरेक्ट टाइप करके कर सकते हैं कितना परसेंट जूम चाहिए। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 200% चाहिए, 100% चाहिए, 75% चाहिए, तो यहाँ पे आप करके देख सकते हैं। इसका प्रीव्यू यहाँ पे दिखा रहा है। पेज विड्थ पे करेंगे तो पेज विड्थ दिखा रहा है, टेक्स्ट विड्थ करेंगे तो टेक्स्ट का विड्थ दिखा रहा है, पूरा पेज देखना चाहते हैं तो ये पूरा पेज दिखा रहा है। तो सब अलग अलग ऑप्शन है दोस्तों, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। 100% पे हमने किया, ओके कर दिया तो ये हमारा पेज 100% हो गया है। तो दोस्तों मैक्सिमम हमने यहाँ पे सब बता दिया है, ये स्क्रॉल बार है, सब बता दिया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, फाइल मेनू के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिले। मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।